साइबर ठगों ने छात्रा को किया डिजिटल अरेस्ट, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा को डिजिटल अरेस्ट करके साइबर अपराधियों ने ठगी का शिकार बना लिया। नागालैंड के दीमापुर जिले की रहने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा ने तहरीर देकर मुकदमा कैंट थाने में पंजीकृत कराया है। छात्रा के मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से बात करने वाले ने कहा कि SBI से बोल रहा हूं, आपने 1 लाख का कर्ज लिया है, जमा न करने पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। थोड़ी देर में दूसरे नंबर से वीडियो कॉल आया। रिसीव करने पर वर्दी में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने बताया कि हैदराबाद पुलिस से बोल रहा हूं, आप यहां आकर अपनी जमानत करा लीजिए। छात्रा ने आने में असमर्थता जताने पर अपराधियों ने जमानत कराने के नाम पर 38,000 रुपये अपने खाते में जमा करवा लिए। फिर दूसरे नंबर से वीडियो कॉल करके डरा धमका कर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना लिया और 1 लाख रुपए की मांग करके ब्लैकमेल करने लगे और बात न मानने पर बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। गोरखपुर के SP City अभिनव त्यागी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, कैंट थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील किया कि इस तरह के साइबर फ्रॉडों से सावधान रहें और किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई भी पुलिस वाला वीडियो कॉल या फोन से संपर्क करता है तो इसकी सूचना 112 नंबर पर आप दे सकते हैं। थाना कैंट में कल ये सूचना प्राप्त हुई थी, एक छात्रा को डिटेल करके उनसे कुछ पैसे ले लिए गए हैं व अन्य कृत किए गए हैं। ये सूचना मिलते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम जल्दी ही आरोपी को पकड़ेंगे एवं उन्हें जेल भेजेंगे। त्रिपरियम की तरफ से किसी तरह के कुछ बताया गया प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से हम लोग को यही बोलना है कि किसी को भी किसी प्रकार का भी वीडियो कॉल आए, इसमें कोई पुलिस वाला बन के उन्हें कॉल करे तो इस बात को बिल्कुल भरोसा ना करें, उसकी तुरंत कंप्लेंट 112 पे या नियरेस्ट थाने पे करें। कोई भी पुलिस वाला कभी भी आपको किसी प्रकार की वीडियो कॉल नहीं करेगा। जो भी पूछताछ या अन्य चीज़ें की जाएंगी वो थाने में बुलाकर या इन पर्सन की जाएंगी। तो किसी प्रकार की वीडियो ऑडियो फ़ोन कॉल पे भरोसा ना किया जाए और किसी प्रकार का पैसा ट्रांसफर ना किया जाए। यह एक साइबर फ्रॉड है और ये साइबर फ्रॉड वाले प्रयोग कर रहे हैं इसका। हमारी पूरी कोशिश है इनको पकड़ा जाएगा, लेकिन साथ में पब्लिक से भी अपील है कि इस प्रकार के किसी भी फ़ोन पर भरोसा ना करें। सर, इसके बारे में क्या विश्वविद्यालय प्रशासन को जानकारी है? इसकी हमें जानकारी नहीं है, हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था और फिर विधिक कार्रवाई की जा रही है।